Good morning all of you. So in today's session of algorithm, we'll start greedy approach in which we are discussing about minimum spanning tree and Kruskal's algorithm. So see here, if we are talking about the minimum spanning tree, so what we can say सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे हाउ वी कैन डिजाइन अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, व्हाट इज अ क्रुशकल्स एल्गोरिथम, व्हाट वुड बी द विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो जनरली क्रुशकल्स एल्गोरिथम पे आते हैं, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अंकुश सकलेचा. आई एम हैविंग अ 10+ year ऑफ गेट टीचिंग एक्सपीरियंस. I taught more than 50+ students in my career. The subject taken by me is DA, DBMS, Digital Logic, Theory of Computation, as well as Compiler Design. I am also selected as a PhD scholar to pursue PhD from IIT Indore. I am also working in many institutes like ACE, ICE, GateFlix, TGA, Gate Forum, Engineering Circle, Imperial Academy, and many more. You can use my code, that is ANKS10, to get 10% subscription on Unacademy Plus channel. So, अगर आप Unacademy को subscribe करते हैं तो आपको 10% discount मिलेगा. You can use my code, that is ANKS10. देखिए plus subscription के advantages क्या क्या है. So, we can say that there is a live classes, many live classes are there जो आप देख सकते हैं. There are many crash course, बहुत सारे crash course हैं यहाँ पे. वीकली टेस्ट होते हैं, हर वीकली टेस्ट में आपको आपका वीकली एनालिसिस होता है उस स्पेसिफिक टॉपिक का जो उस वीक में पढ़ाया गया है. डाउट सॉल्विंग सेशंस, एवरी फोर्थ क्लास इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन. सो हर 3 क्लास के बाद आपको एक डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है जिसमें आपके सारे डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं. रैंक बूस्टर सेशंस आर ऑल्सो देयर एंड ऑल द लेक्चर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. मीन्स हिंदी ट्यूटर्स आर ऑल्सो देयर, इंग्लिश ट्यूटर्स आर ऑल्सो देयर. सो आप उनमें से किसी से भी पढ़ सकते हैं, देर इज नो बाउंडेशन अगर आप एक बार प्लस कोर्स को लेते हैं तो. अनादर वन इज अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलता है जो आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करता है. स्टडी प्लानर मिलता है, जो स्टडी प्लानर आपको आपका परफॉर्मेंस क्या है, किस तरीके से इवेल्युएट करना है, उसके लिए आप आपकी स्टडी को प्लान आउट कर सकते हैं. स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं वाया रेगुलर वर्कशॉप्स होती है. टेस्ट एनालिसिस होते हैं, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होता है आपका. स्टडी मटेरियल आपको मिलता है. सो दे ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. नाउ ऑन अनअकैडमी माय न्यू कोर्स दैट इज लॉन्च्ड ऑन अनअकैडमी प्लस, दैट इज अ बूस्टर कोर्स ऑन डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम. कोर्स ऑलरेडी 18th of December से स्टार्ट हो चुका है. तो आप सभी लोग जल्दी से प्लस सब्सक्राइब करिए और यूज़ करिए मेरा कोड, दैट इज़ ANKS10. सो ये कोड यूज़ करने से आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड यू कैन इंश्योर 10-12 मार्क्स. सो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए. और हम जो प्लस का टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 6-8 PM मंडे टू सैटरडे. ओके सो सब्सक्राइब अनअकैडमी. अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करने के बाद आप गेट ईएसी को चूज़ करिए, क्योंकि आपका जो फील्ड है अगर वो गेट ईएसी है, आपको गेट ईएसी चूज़ करना है. देर इज़ अ प्लस सब्सक्रिप्शन इज देयर, फ्री कोर्सेज इज देयर एज वेल एज स्पेशल क्लासेज आर देयर. सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लस पे क्लिक करिए, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे. 12 मंथ इज देयर, 18 मंथ इज देयर, 24 मंथ इज देयर. तो आप 12, 18, 24 में से यूज़ कर सकते हैं. 12 मंथ सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें या 18 या 24 की, यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज़ ANKS10. आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं. Each and every subscription is available at a no cost EMI. No cost EMI पे available है और उसी के साथ में आपको 10% का discount भी मिलेगा अगर आप मेरा code use करेंगे. Iconic subscription is also there. Iconic 12 month subscription is also available. 24 month subscription is also available. So
यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड दैट इज ANKS10, सो आप इन कोड को यूज कर सकते हैं. एंड यू शुड फॉलो मी ऑन अनअकेडमी, अनअकेडमी पे मुझे फॉलो करिए. अनअकेडमी पे फॉलो करने के लिए सिंपली यू कैन राइट https://anacademy.com@ankush_saklecha. मुझे फॉलो करने से आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, सो मुझे फॉलो करने से जितनी भी स्पेशल क्लासेस मैंने ली है वो सारी फ्री स्पेशल क्लासेस आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं. फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए और जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे थ्रू होती है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता है. यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड दैट इज ANKS10 टू एक्सेस फ्री स्पेशल क्लासेस ऑल्सो. नाउ विल स्टार्ट विथ टूडेज सेशन. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पैनिंग ट्री का. वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री होता क्या है. सो जस्ट हियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पैनिंग ट्री, अगर हम स्पैनिंग ट्री की बात करें तो स्पैनिंग ट्री हम क्या कह सकते हैं. वी कैन से कि सपोज टू बी यू हैव अ पर्टिकुलर ग्राफ, एक ग्राफ आपके पास है. ओके, वॉट यू वॉन्ट, यू वॉन्ट टू चेंज दैट ग्राफ टू ट्री. आपको इस ग्राफ को किस में चेंज करना है, ट्री के फॉर्म में चेंज करना है. सो ग्राफ को हम ट्री क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या होता है, साइक्लिक होता है. ठीक है, सो ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ट्री की डेफिनेशन होती है असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ. सो असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड ट्री. अब देखिए ये जो स्पेसिफिक ग्राफ है इसमें से अगर मैं कुछ एजेस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, कौन सी एजेस, जो एजेस साइकिल क्रिएट कर रही है, अगर मैं ऐसी एजेस को रिमूव कर देता हूँ तो जो मेरा रिजल्टेंट ग्राफ होगा दैट बिकम अ ट्री. ओके, सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि यस वी कैन रिमूव अ एज. सपोज मैंने ए सी एज को रिमूव कर दिया, सो नाउ दैट वुड बी द रिजल्टेंट ग्राफ एंड इट वुड बी वन ऑफ द स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ. तो ये इस ग्राफ की क्या हो गई, स्पैनिंग ट्री हो गई. गॉट माई पॉइंट. तो सिमिलरली वी कैन से दैट कि अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ की हमें डिफरेंट ट्रीज बनानी है, उस ग्राफ की हमें डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज बनानी है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं या कितनी डिफरेंट स्पैनिंग ट्री किसी ग्राफ की पॉसिबल हो सकती है. सो एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं. सपोज टू बी वी हैव अ ग्राफ दैट इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ फोर वर्टाइसिस लाइक दिस. कंप्लीट ग्राफ ऑफ फोर वर्टाइसिस का मतलब क्या होता है, सो वी कैन से दैट ईच वर्टेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, सो देखिए अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें, सो वी कैन से दैट देर इज अ ए बी सी डी. ओके, फोर वर्टाइसिस आर देयर. नाउ सी वॉट वी कैन से, सो वी कैन से दैट कि ये जो स्पेसिफिक ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमें स्पैनिंग ट्री बनानी है. तो कैन वी से दैट दैट वुड बी द वन ऑफ द स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ. यस वी कैन से, बिकॉज इट इज असाइक्लिक कनेक्टेड. यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट कि जो भी ट्री होती है अगर ट्री में एन नंबर ऑफ वर्टेक्स है, ठीक है, सो हाउ मेनी एजेस आर देयर, सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एजेस आर एन माइनस वन. सो एन माइनस वन एजेस होती है वहाँ पे. ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. सो यस इट इज वन ऑफ द स्पैनिंग. स्पैनिंग क्यों बोला इसको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कुछ एजेस को उसमें से स्पैन कर रहे हैं, हटा रहे, और स्पैन करने के बाद हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, ट्री बना रहे. बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट इट इज अ स्पैनिंग ट्री. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी हियर व्हाट वी कैन से, सपोज टू बी ये जो स्पेसिफिक आपका ट्री है दैट इज वन ऑफ द स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ. इसके अलावा और कोई ट्री पॉसिबल है क्या, सो यस देयर इज वन मोर ट्री दैट इज ऑल्सो अ स्पैनिंग ट्री. दिस वन, यस दिस वन इज ऑल्सो अ स्पैनिंग ट्री. दैट वन, यस दिस वन इज ऑल्सो अ स्पैनिंग ट्री. एनी एल्स, यस वी कैन से दिस इज अ स्पैनिंग ट्री. दैट इज ऑल्सो अ स्पैनिंग ट्री. सो स्पैनिंग ट्री शुड कंसिस्ट ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ बट नंबर ऑफ एजेस आर सच दैट कि इट इज असाइक्लिक कनेक्टेड. सो इज लाइक दिस. सो कैन वी से दैट दिस इज अनादर स्पैनिंग ट्री, यस दिस वन इज अनादर, यस ये सारी इसी ग्राफ की स्पैनिंग ट्री. इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या, सो यस पॉसिबल है. विच वन, दिस वन. इसके अलावा और कोई पॉसिबल है, यस पॉसिबल है. विच वन, दिस वन. एनी एल्स, यस ये भी है. और कोई हो सकती है क्या, सो यस वी कैन से दैट दिस वन इज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री. एनी थिंग, एनी एल्स स्पैनिंग ट्री फॉर दिस, सो वी कैन से दैट यस सी दिस इज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री. देखिए ये साइकिल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो मिडिल में है ये वर्टिक्स नहीं है. सो ओनली फोर वर्टाइसिस आर देयर, इट इज ऑल्सो असाइक्लिक. सो वी कैन से दैट दिस ऑल आर ऑल्सो
स्पैनिंग ट्री, तो ये सारी भी आपकी स्पैनिंग ट्री है. तो वी कैन से दैट की दैट वुड बी अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ फोर वर्टाइसेस. तो ये कंप्लीट ग्राफ ऑफ फोर वर्टाइसेस है के फोर. सो कंप्लीट ग्राफ ऑफ फोर वर्टाइसेस की करस्पॉन्डिंग कितनी डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज बन रही है. सो यू कैन सी दैट देर आर 16 डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज. सो इफ समवन इज आस्किंग यू क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल फॉर अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ फोर फाइव वर्टाइसेस, तो फाइव वर्टाइसेस की कितनी स्पैनिंग ट्री बन सकती है. सो वॉट वी कैन से, सो वी कैन से दैट कि अगर हमें कंप्लीट ग्राफ ऑफ फाइव वर्टेक्स की स्पैनिंग ट्री निकालना है देन द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज आर सिंपली फाइव. देखिए आप क्या करें, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. हाउ वी कैन से, सो जस्ट सी हियर, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री फॉर कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टेक्स आर एन रेस टू एन माइनस टू. सिंपली यू कैन यूज दैट फॉर्मूला डायरेक्टली. जैसे के फोर के लिए हमने यूज करना है, सो फोर रेस टू फोर माइनस टू हाउ मच, फोर स्क्वायर हाउ मच, 16. कंप्लीट ग्राफ ऑफ फाइव वर्टाइसेस के लिए, सो यू कैन से दैट फाइव रेस टू फाइव माइनस टू हाउ मच, फाइव क्यूब. कैलकुलेशन पे इट बिकम 125. दैट मीन्स 125 डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज यू कैन डिजाइन. गॉट माई पॉइंट? तो कंप्लीट ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, कोई भी कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है, और अगर उसकी आपको बोला है कि कितनी स्पैनिंग ट्री बनेगी, तो विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला यू कैन कैलकुलेट. गॉट माई पॉइंट? बट दैट फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल वेन यूर ग्राफ इज अ कंप्लीट ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टाइसेज है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो. सो अगर कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टाइसेज नहीं है तो हम फिर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि उसका स्पैनिंग ट्री कितना बनेगा. सो जस्ट सी हियर, सपोज टू बी इफ ग्राफ इज नॉट कंप्लीट, इफ ग्राफ इज नॉट कंप्लीट देन वी कैन यूज किरचॉफ थ्योरम. ओके, सो किरचॉफ थ्योरम, हालांकि ग्राफ अगर कंप्लीट है उस केस में भी आप यूज कर सकते हो, ग्राफ कंप्लीट नहीं है उस केस में भी, दोनों केसेस में भी यूज हो सकता है. बट जनरली कंप्लीट ग्राफ होता है तो हम ये डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, दैट वुड बी द इजी. सो एनी ग्राफ उसका अगर आपको स्पैनिंग ट्री निकालना है तो आप किरचॉफ थ्योरम यूज कर सकते हो. जनरली हम यूज करते हैं कब, जब ग्राफ कंप्लीट नहीं होता है, तो क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस में क्या होता है, टाइम लगता है. सो सी हियर व्हाट वी आर सेइंग दैट, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट आपको जो स्टेप्स है जो परफॉर्म करनी है, व्हाट आर दी स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप इज सिंपली डिजाइन एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ. जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ का आप एडजेंसी मैट्रिक्स डिजाइन कर लीजिए. आफ्टर डिजाइनिंग एडजेंसी मैट्रिक्स, ओके, जो डायगोनल वैल्यूज है, डायगोनल वैल्यूज रिप्लेस बाय डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स, उस वर्टेक्स की डिग्री से आप उसको रिप्लेस कर दीजिए. थर्ड, अब डिग्री से रिप्लेस करने के बाद क्या करेंगे, सो डायगोनल वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, ऑल नॉन डायगोनल वैल्यूज. ओके, यहां पे दो है, हो सकते हैं, क्या हो सकती है, नॉन डायगोनल वैल्यूज आइदर वंस और जीरोस. सो जितने भी वंस है रिप्लेस बाय माइनस वन, सारे वंस को आप किससे रिप्लेस कर दें, माइनस वन से, और जितने भी जीरो है उनको जीरो रहने दें. ओके, सो नो रिप्लेसमेंट इज देयर, जीरो इज एज इट इज जीरो. ओके, लाइक दैट. सो इतना टास्क परफॉर्म करने के बाद में, ये तीन स्टेप्स हमने परफॉर्म की, आफ्टर डूइंग दैट सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी एक एलिमेंट का फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, को फैक्टर आइडेंटिफाई करना, और जो को फैक्टर होगा दैट वुड बी द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज. ओके, सो सी हियर, देन फाइंड को फैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट
रिजल्ट इज नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। चलिए एक ग्राफ लेते हैं, सपोज टू बी एक सिंपलेस्ट ग्राफ लेके चलते हैं, लाइक ए बी सी। नाउ फॉर दिस वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज आर देयर। तो सबसे पहले आप क्या करें, 3x3 का एक मैट्रिक्स बना लें, ठीक है। सो इट इज ए बी सी, ए बी सी। नाउ ए टू ए जीरो, ए टू बी देर इज एज, यस। ए टू सी एज, यस। सो जहां पे भी एजेस है वहां पुट करते हैं, और जो एजेस नहीं है वहां पे जीरो पुट करते हैं, लाइक दैट। नाउ इस मैट्रिक्स को अब हमको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मैथड, किरचॉफ मैथड के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। सो यू कैन सी हियर डायगोनल वैल्यूज को, जो भी डायगोनल जीरोज है उनको आपको किससे रिप्लेस करना है। यू नीड टू रिप्लेस दैट डायगोनल जीरोज बाय व्हाट वी कैन से, यू नीड टू रिप्लेस दैट डायगोनल जीरो बाय देयर डिग्री। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ ए, तो डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कनेक्टेड वर्टाइसेस। सो टू, वन को रिप्लेस करना है -1 से, टू और अगेन टू। यहां पे कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं था डायगोनल के अलावा, अगर होता तो उस जीरो को जीरो रखते। चलिए अब आप किसी भी एक का को फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए सपोज मुझे, मैंने इसका, मुझे इसका को फैक्टर निकालना है, ठीक है। वन वन का को फैक्टर, सपोज दैट वुड बी द मैट्रिक्स एम। सो एम ऑफ वन वन का मैं को फैक्टर आइडेंटिफाई करता हूँ, तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं, तो उसके सामने जो वैल्यूज है, ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई दिस विद दैट। तो टू इंटू टू माइनस, मल्टीप्लाई दिस विद दैट, -1 इंटू -1। सो हाउ मच इट इज, इट इज 2 इंटू 2, 4, 4 माइनस 1, हाउ मच, 3। सो दैट इज नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, कैन वी से दैट इट इज अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 वर्टेक्स, कैन वी से दैट इट इज K3, यस वी कैन से इट इज K3 कंप्लीट, क्योंकि ऑल वर्टाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। सो वी हैव वन मोर मैथड, वॉट इज द मैथड, सो 3 रेस टू 3 माइनस 2, है ना, n रेस टू n माइनस 2 जो मैथड है। सो 3 रेस टू 1, हाउ मच इट इज 3। सो ऐसे भी 3 आ सकता है, ऐसे भी 3 आ सकता है। तो ये तो कंप्लीट ग्राफ की बात हुई, दोनों मेथड है। बट अगर ग्राफ कंप्लीट नहीं है तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा, किरचॉफ मेथड ही अप्लाई करनी होगी। सो जस्ट सी हियर, सपोज टू बी यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, लाइक दैट, ए बी सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दैट ग्राफ टू मैट्रिक्स फॉर्मेट लाइक दिस, ओके। सो इफ देर इज अ एज, अगर एज है तो क्या पुट करोगे, 1, और अगर एज नहीं है तो क्या पुट करोगे, 0, ओके। सो वी कैन से कि डायगोनल्स में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, 0। ए बी से कनेक्टेड है, यस। सी से कनेक्टेड है, नो। डी से कनेक्टेड है, यस। B is connected to A, yes. B is connected to C, yes. B is connected to D, yes. C is connected to A, no. B से connected है, yes. D से connected है, yes. उसके अलावा अगर हम देखें तो D की connection की अगर मैं बात करूं, तो D से connection किस किस का है? So D, A, B और C तीनों से connected है, बस diagonal में 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि self pair नहीं है कोई भी। तो सिंपली वहां पे हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ओके। सो नाउ सी हियर, अब हम इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ मैथड। किरचॉफ मैथड के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर लेते हैं, ताकि फिर हम उससे एक को फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। गॉट माई पॉइंट, सी हियर। नाउ यू कैन सी ए का डिग्री कितना है, सो यू कैन सी हियर डिग्री ऑफ ए इज 2। बाकी जहां 1 है वहां -1 रखना है, 0 को 0 रहने देना है। सो इट वुड बी लाइक दिस, नाउ देयर इज -1। बी का डिग्री कितना है, 3, सो पुट हियर 3, रिमेनिंग इज -1। नाउ सी का डिग्री कितना है, तो सी की वैल्यू जहाँ 0 है वहाँ 0 रहने दो, -1 है वहाँ -1 रहने दो, डिग्री को 2 पुट कर दो। डायगोनल में जो भी डिग्री है वो कहाँ पे पुट करनी है, डायगोनल में 2, और 1 1 को हमने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। गॉट माई पॉइंट। नाउ इफ अगर हम बात करें किसकी, डी की, तो डी के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं -1 -1 -1, और डी से डी की अगर हम बात करें तो वो क्या दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है। सो डी टू डी
what we can say that it is 0 only. Okay, so यहाँ क्या put कर देंगे, इसका degree कितना है, 3 है, ये बन गया. Now just find a cofactor of any. Suppose इसका cofactor निकालना है. I want to find cofactor corresponding to this. So ultimately I need to solve that. ये matrix solve करना है. इसका determinant identify कर लेंगे. So that would be the cofactor for this particular. So cofactor of M11 अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे. Now it is 3. This multiply by this minus this. So 2 into 3 minus minus 1 into minus 1. Like this. Now minus, there is a minus 1, multiply by, now is row or is column ko chhod denge. So minus 1 into 3 minus minus 1 into minus 1, like this. Okay, so this now corresponding to last one. So plus, there is minus 1. Now minus 1 into minus 1 minus minus 1 into 2, like this. So you can see here, on calculation it become 3, 6 minus 1 plus 1, it is minus 3 plus 1 is minus 1, 1 minus, minus 1 into 2 minus 2, so it become plus 2, like this. It is 15. Plus, now you can see minus 1 plus 1, how much it, minus 3 plus 1, how much it is? It is minus 2. It is minus 3. So on calculation, we can say that it become 10. So 10 spanning trees are possible like that. Okay, so is tarike se aap identify kar sakte ki kitni spanning trees ban sakti hai. So that would be the method for finding spanning tree. Got my point? Now, if you are talking about minimum spanning tree kaise nikalte hai? So what we can say that ki there are so many spanning tree of a graph, but out of which we need to identify which of the following is a minimum spanning tree. Kaun si minimum spanning tree hai, hume ye identify karni hai. Wo kaise hum log identify kar sakte hain? So what we can say that ki jaise ye specific aapko graph diya hua hai, theek hai? So is graph ki hum keh sakte hain ki it is a complete graph of 4 vertices. So iske 16 spanning trees banengi. लेकिन उन 16 में से कोई एक स्पैनिंग ट्री ऐसी होगी जिसका वेट क्या होगा, सबसे कम होगा. वेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी एजेस पे जो भी वेट लिखा हुआ है उन सभी को आप क्या कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए. तो एजेस के वेट को ऐड करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो स्पेसिफिक मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है. सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आइडेंटिफाई करने के लिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, मेनी एल्गोरिथम्स आर देयर. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रुशकल्स एल्गोरिथम की. क्रुशकल्स एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, हाउ वी कैन फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रुशकल्स एल्गोरिथम. तो क्रुशकल्स क्या करता है, ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेज हैं ये सारे वर्टाइसेज को डिजाइन कर देता है, लाइक दिस, ऑल वर्टाइसेज आर देयर. एंड ग्राफ में क्या करता है, जितनी भी एजेस है आउट ऑफ देम जो सबसे स्मॉलेस्ट एज है उसको क्या करता है, वो चूज करता है, स्मॉलेस्ट एज इज 1, और उस 1 को इस ग्राफ में कनेक्ट कर देता है, लाइक दिस. आफ्टर दैट द सेकंड स्मॉलेस्ट, यू कैन सी इट इज 2, सो कनेक्ट दैट इन दिस ग्राफ. आफ्टर देन थर्ड स्मॉलेस्ट, इट इज 3, सो कनेक्ट इन दिस ग्राफ. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 4, अगर 4 कनेक्ट करेंगे तो इट कंटेंट अ साइकिल. तो एल्गोरिथम दो कंडीशन में टर्मिनेट होता है, क्या हम कह सकते हैं कि पहली चीज तो अगर n वर्टाइसेस थे आपके और n माइनस 1 एजेस ऑलरेडी आप चूज कर चुके हो, लाइक यू कैन सी 1, 2, 3 n माइनस 1 एजेस चूज हो चुकी है, तो यू कैन स्टॉप हियर, आप यहां पे स्टॉप कर सकते हैं. सेकंड व्हाट वी कैन से दैट कि अगर सपोज टू बी जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग अगर कोई भी एज ऐसी चूज होती है जो साइकिल कंसिस्ट करता है तो उस एज को डिस्कार्ड करो और नेक्स्ट एज चूज करो जो नेक्स्ट मिनिमम है, और उसको कनेक्ट करते जाओ एंड सो ऑन, कब तक, जब तक कि सारी एजेस खत्म नहीं हो जाती या फिर आपका जो ग्राफ है वो एन माइनस वन एजेस के साथ कंप्लीट नहीं हो जाता. सो व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ दिस, सो वी कैन सी इट इज 1 प्लस 2 प्लस 3. सो मिनिमम कॉस्ट आपकी यहाँ पे कितनी आ गई, 6 आ गई. गॉट माई पॉइंट? So that would be the, we can say that कि ये जो है आपका ये final result हुआ with the help of Kruskal's algorithm. Okay? Now see here, suppose that would be the graph
एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगी और उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए क्या करना है, तो कुछ नहीं, सिंपली सबसे पहले आप क्या करें, जितने भी वर्टाइसेस हैं, मेक ऑल द वर्टाइसेस, सारे वर्टाइसेस हमने बना लिए। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द स्मॉलेस्ट एज अमंग ऑल, सो यू कैन सी इट इज वन, सो वन चूज कर लिया। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इट इज टू, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अगेन टू, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज यू कैन सी इट इज फोर, सो कनेक्ट दैट फोर, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज अगेन फोर, यू कैन कनेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो सकता है, आइदर यू कैन चूज दिस और दैट, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। बट अगर सिमिलर एज है तो मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल आपके हो सकते हैं एजेस को चूज करने के, बट चूज इसी तरीके से करना है। नाउ सी हियर, नेक्स्ट इज व्हाट, सो वी कैन सी नेक्स्ट मिनिमम इज 1 2 2 4 4, नेक्स्ट मिनिमम इज व्हाट, वी कैन सी दैट इट इज 6, बट यू कैन सी कि अगर हमने 6 कनेक्ट किया देन इट कंसिस्ट अ साइकिल, सो डिस्कार्ड दैट एज एंड चूज नेक्स्ट मिनिमम, नेक्स्ट इज 7, बट यू कैन सी अगर हम इस 7 को भी कनेक्ट करते हैं तो इट कंटेंट अ साइकिल, डिस्कार्ड दैट एज एंड चूज नेक्स्ट मिनिमम, सो नेक्स्ट मिनिमम क्या है आपका, सो नेक्स्ट मिनिमम इज 7, सो दैट इज बिटवीन 2 एंड 3, सो ये 7 हमने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मिनिमम 8, सो यू कैन सी इफ यू आर कनेक्टिंग दैट 8 इट डज नॉट कंसिस्ट अ साइकिल, सो कनेक्ट दैट। नेक्स्ट मिनिमम यू कैन सी इट इज अनादर 8, बट अगर ये 8 कनेक्ट करते हो तो इट कंटेंट अ साइकिल, सो डिस्कार्ड दैट, ओके। नेक्स्ट मिनिमम इज, नेक्स्ट मिनिमम इज 9, सो 9 आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। नेक्स्ट मिनिमम, सो यू कैन सी नेक्स्ट मिनिमम इज 10, बट अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी एजेस थी और जो वर्टाइसेस थे, ऑल वर्टाइसेस आर कनेक्टेड एंड ग्राफ इज असाइक्लिक, सो यू कैन स्टॉप योर एल्गोरिथम हियर, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो आपकी मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई, सो एडिशन कर दीजिए, इट इज सिंपली 4 + 8 + 2 + 4 + 2 + 1 + 7 + 9, ओके। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन से दैट इट बिकम 10 एंड 10 प्लस 10 20, 30 + 7 37, सो योर आंसर इज 37, दैट वुड बी द मिनिमम कॉस्ट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री। सो इफ क्वेश्चन इज आस्क, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इफ दे आर आस्किंग लाइक दैट कि देर एग्जिस्ट अ यूनिक मिनिमम कॉस्ट फॉर एवरी स्पैनिंग ट्री, यस, अगर आप इस ग्राफ की कोई भी स्पैनिंग ट्री निकालते हो और अगर वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है तो इट मे पॉसिबल देर एग्जिस्ट मोर देन वन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपकी बन सकती है, ठीक है। कैसे बन सकती है, सो वी कैन सी हियर कि यहाँ पे हमने ये 8 चूज किया, एट द प्लेस ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो चूज दिस 8, सो देर आर टू ऑप्शन, या तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, दोनों की कॉस्ट एडिशन करने पे सेम आएगी लेकिन ट्री डिफरेंट बन सकती है, ठीक है। सो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अगर सारे एजेस के वेट डिस्टिंक्ट होते हैं तो यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनती है। गॉट माय पॉइंट। नाउ सी हियर, इफ क्वेश्चन इज अबाउट कि हाउ मेनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ इज पॉसिबल, ठीक, बिफोर दैट अगर हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें कि सर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, सो वॉट वी कैन से दैट की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज सिंपली, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जब भी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वॉट वी कैन से क्रुशकल्स एल्गोरिथम क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट एज चूज करनी है, स्मॉलेस्ट एज चूज करने के लिए ये यूज करता है मीन हीप को, सो क्रुशकल्स एल्गोरिथम क्रिएट अ मीन हीप ऑफ एजेस, एजेस का मीन हीप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एज होती है वो कहाँ पे आ जाती है, रूट पे आ जाती है, हम उस स्मॉलेस्ट एज को वहां से डिलीट करते हैं, मतलब रूट नोड को डिलीट करते हैं, और जो ग्राफ हमने लिया था उस ग्राफ में हम कनेक्ट कर देते हैं, लाइक जैसे हमने यहाँ पे 1 को कनेक्ट किया था। गॉट माई पॉइंट। सो अल्टीमेटली हीप से हमें क्या करना है, 1 by 1 सारी एजेस को डिलीट करते जाना है, तो हम पहले हीप को क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड हीप कर रहे हैं, उसके बाद डिलीट हीप कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, तो हम कहते हैं कि अगर हमने हीप एन एलिमेंट्स के लिए बनाते हैं तो एन लॉग एन टाइम लगता है, तो हम ई एजेस के लिए बना रहे हैं तो अवर कॉम्प्लेक्सिटी इज ई लॉग ई, वेर ई इज नंबर ऑफ, ई इज नंबर ऑफ एजेस, तो ई क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एजेस होती है। गॉट माई पॉइंट।
नाउ सी हियर, हाउ मेनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ इज पॉसिबल. चलिए तो एक ग्राफ लेते हैं हम और देखते हैं कि उस ग्राफ की कितनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकती है ना. ये अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको किस टाइप से ट्रीट किया जाए. सो आई विल शो दैट पॉइंट टू यू. सपोज टू बी दैट वुड बी द ग्राफ. Like this. Like that. That would be the graph. Okay. Now we need to identify how many spanning trees are, minimum spanning trees are possible. तो देखिए एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एज को चूज करते हैं. सपोज टू बी दैट वुड बी द स्मॉलेस्ट. सो वी नीड टू कनेक्ट दैट. तो ये कनेक्ट होना मस्ट है. ओके अब नॉर्मली अगर हम बात करें, जब भी हम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो व्हाट वी कैन से दैट अवर ग्राफ कंसिस्ट थ्री टाइप ऑफ एजेस. तीन टाइप की एजेस होती है. कौन कौन सी? सो फर्स्ट कौन सी एज? फर्स्ट वो एज दैट शुड बी कनेक्टेड इन अ स्पैनिंग ट्री. जैसे हम बोले कि पहला मिनिमम हमेशा कनेक्ट होता है, पहली एज हमेशा कनेक्ट होती है. यस, सो इट शुड बी कनेक्टेड. तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एज है, अगर वो स्पेसिफिक एज शुड बी कनेक्टेड है, मतलब उसको बिना कनेक्ट किए आप ग्राफ नहीं बना सकते, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एज पर्टिकुलर ग्राफ में आएगी. इट शुड बी कनेक्टेड. तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे. एक एज कौन सी होती? दैट इज नेवर कनेक्टेड इन अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. सपोज टू बी कोई ऐसी एज है जो ग्राफ में कभी भी कनेक्ट नहीं होती है, स्पैनिंग ट्री में कभी कनेक्ट नहीं होती है, तो उसके लिए भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे. एक होता है जो मे और मे नॉट बी कनेक्टेड है. मे और मे नॉट बी कनेक्टेड का मतलब क्या? तो सिंपली अगर सपोज टू बी एक साइकिल है और उस साइकिल के सारे वेट सेम है, सो वॉट वी कैन से कि हमें साइकिल को हटाने के लिए कोई एक एज को रिमूव करना होगा. बट वो कौन सी होगी? वो कोई भी हो सकती है. दैट मीन्स कि वहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि आपको कौन सी एज चूज करना है. अ पर्टिकुलर एज मे बी सिलेक्टेड, मे नॉट बी सिलेक्टेड. तो ये जो मे और मे नॉट बी सिलेक्टेड वाली एजेस हैं, यही क्या करती हैं? यही यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज को क्रिएट करती हैं. गॉट माई पॉइंट? सो सी हियर, क्या कह सकते हैं? चलिए वन, सो वी कैन से दैट यस वन शुड बी कनेक्टेड. तो इसके करस्पॉन्डिंग तो कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो, ये वाला वन हमेशा आएगा, तो इसलिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया. ओके नाउ सी दैट वन कनेक्ट किया, ओके. सेकेंड वन कनेक्ट किया, ओके. थर्ड वन कनेक्ट किया, ओके. फोर्थ कनेक्ट किया, ओके. फिफ्थ कनेक्ट किया, ओके. बट अगर सिक्स्थ कनेक्ट करने जाएंगे, इट कंटेंट अ साइकिल. और व्हाट वी कैन से दैट कि टोटल देर आर सिक्स एजेस और सिक्स एजेस की साइकिल है, बट आउट ऑफ दैट सिक्स एजेस यू कैन चूज एनी फाइव एजेस. इनमें से कोई भी फाइव आप चूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सिक्स एज को चूज करने पे वो साइकिल कंटेंट करेगा. सो व्हाट वी कैन से, तो यहाँ पे हमने लगा दिया आउट ऑफ दिस सिक्स एजेस, दिस सिक्स एजेस आर इन अ सर्कल, आउट ऑफ दिस सिक्स वी कैन चूज एनी वन. गॉट माई पॉइंट? नाउ सी, अब आप यहाँ पे देखें एजेस कौन सी है. टू 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 नेक्स्ट मिनिमम. ओके चलिए हम सपोज कोई भी टू को सिलेक्ट करते हैं. मैंने ये टू सिलेक्ट किया एंड सेकंड ये टू सिलेक्ट करूंगा तो साइकिल कंटेंट होगा. बट अगर मैं पहले ये वाले टू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक सपोज यहाँ पे नंबरिंग ले लेता हूँ ए बी सी. ओके तो ए बी वाले को सिलेक्ट किया तो बी सी को हटाना होगा, और बी सी को सिलेक्ट करेंगे तो हमें ए बी को हटाना होगा. दोनों नहीं रख सकते. दैट मीन्स आउट ऑफ दिस टू एजेस वी नीड टू चूज एनी वन. गॉट माई पॉइंट? नाउ सी सिमिलरली हमने इस टू को कनेक्ट किया, सपोज एक्स वाई वाले टू को कनेक्ट किया. ओके सो अब अगर आप कोई भी एज, कोई भी टू अगर लेते हो तो इट कंसिस्ट साइकिल, आइदर दिस वन, दैट वन, दैट वन, एनी एवरी टू कंसिस्ट साइकिल. सो व्हाट वी कैन से, देर आर सिक्स टूज, आउट ऑफ दिस सिक्स एजेस यू कैन चूज एनी वन. कोई भी एक ले लोगे, कोई भी एक टू को आप कनेक्ट करो, साइकिल नहीं बनेगी. लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी एज कनेक्ट की तो वो साइकिल क्रिएट करेगा. सो सिक्स ही वन. ओके नाउ सी, अब हमें इस स्पेसिफिक पार्ट को, ए बी सी वाले पार्ट को, इधर जो हमने साइकिल बनाया है, इस साइकिल से कनेक्ट करना है. देर आर टू एजेस, आइदर यू कैन चूज दिस 100, आप ये 100 चूज कर सकते हो, या फिर आप इस 100 को चूज कर सकते हो, बट दोनों चूज नहीं कर सकते. सो व्हाट वी कैन से, आउट ऑफ दिस टू एजेस वी नीड टू चूज एनी वन.
और ये हमारा ग्राफ क्या हुआ, साइकिल जो थी वो हटाते हुए मिनिमम स्पैनिंग ट्री में चेंज हो गया। अब हमारा क्वेश्चन था कि कितनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रही है, तो हमने सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लिए। सिंपली इन कॉम्बिनेशंस का क्या कर दो, 65 मल्टीप्लाई बाय 61 मल्टीप्लाई बाय 2C1 मल्टीप्लाई बाय 2C1, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2। ऑन कैलकुलेशन इट बिकम 144। गॉट माई पॉइंट? सो ये तरीका है कैलकुलेट करने का कि कितनी डिफरेंट मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसी ग्राफ की बन सकती है। गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द वे। नाउ सी दिस क्वेश्चन। लेट जी बी अ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑन फोर वर्टाइसेस। जी एक ग्राफ है, कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ है फोर वर्टाइसेस पे, हैविंग सिक्स एजेस विथ वेट 1 2 3 4 5 6। नाउ क्वेश्चन इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट दैट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ कैन हैव। चलिए देखते हैं। सो हमें निकालना मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, हमें बनाना मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, बट उस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मैक्सिमम पॉसिबल वेट क्या हो सकता है? तो अब ये क्वेश्चन कैसे करें? सो जस्ट सी हियर, सपोज टू बी दैट वुड बी योर ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप एजेस क्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये एजेस ले ली। बट अब एजेस के जो वेट है वो ये है, बट ये कंफर्म नहीं है कि आपको इसी तरीके से वेट लेना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी भी ऑर्डर में वेट्स को दे दे, डजेंट मैटर। बट उन एजेस का वेट जो होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। लाइक सपोज मैंने बोला दैट वुड बी द 1 2 3 4 5 6, इट्स ओके, ये भी ग्राफ हो सकता है। अगर हम इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं तो क्या होगा? सो क्रुशकल सेज दैट, देखिए अब आप यहाँ पे कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, क्रुशकल्स एल्गोरिथम है, प्रिम्स एल्गोरिथम है, बॉरकास एल्गोरिथम है, इट डिपेंड्स ऑन यू किससे सॉल्व करना है। नाउ सी क्रुशकल्स क्या कहता है, फर्स्ट मिनिमम कनेक्ट करो, कर दिया। सेकेंड मिनिमम कनेक्ट करो, कर दिया। थर्ड मिनिमम कनेक्ट करो, कर दिया। और कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, 6। सो अगर ये ग्राफ होता है तो इसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट कितनी आएगी, 6 आएगी। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी हियर, अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें कि सपोज हम ये ग्राफ ले लेते हैं, तो इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो होगा उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। सो यू कैन सी हियर अगेन देर आर नंबर ऑफ वर्टाइसेस लाइक दिस, फोर वर्टाइसेस आर देयर। नाउ कनेक्ट करिए सबसे स्मॉलेस्ट, सो इट वुड बी 1। ओके, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इट इज 2। ओके, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, नाउ यू कैन सी इट इज 3 एंड इट कंसिस्ट अ साइकिल। तो अब आप ये 3 को चूज नहीं कर सकते, वी कांट चूज दिस 3 बिकॉज ये साइकिल कंसिस्ट कर रहा है। सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नेवर कंसिस्ट अ साइकिल, सेकंड स्मॉलेस्ट नेवर कंसिस्ट अ साइकिल, थर्ड स्मॉलेस्ट मे कंसिस्ट अ साइकिल। तो अगर ग्राफ आपने इस तरीके से लिया तो साइकिल नहीं आएगा, जो फर्स्ट हमने लिया था तो साइकिल नहीं आया, लेकिन हमने वाई ग्राफ लिया तो थर्ड स्मॉलेस्ट कंसिस्ट साइकिल। सो वी नीड टू डिस्कार्ड दैट एंड वी नीड टू कनेक्ट द फोर्थ स्मॉलेस्ट। फोर्थ स्मॉलेस्ट क्या है आपका, 4 है। सो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, सो इट गिव्स अ 7। ओके, सो आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज पॉसिबल, तो योर आंसर इज 7। नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, 7 से ज्यादा मिनिमम आप इन 6 एजेस को किसी भी तरीके से कनेक्ट करो, या तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो वेट है वो 6 आएगा या 7 आएगा, कभी भी 8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड स्मॉलेस्ट अगर साइकिल कंसिस्ट करता है तो फोर्थ स्मॉलेस्ट नेवर कंसिस्ट साइकिल 101%। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, देयर इज अ ग्राफ जी, जी एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, इज अ अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ इन विच ईच एज हैज अ डिस्टिंक्ट वेट, हर एज का जो वेट है वो डिस्टिंक्ट है। लेट ई इज अ पर्टिकुलर एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट इफ ई इज द लाइटेस्ट एज ऑफ सम साइकिल देन एवरी एम एस टी ऑफ जी इंक्लूड ई। अगर ई लाइटेस्ट एज है किसी साइकिल का तो हर एम एस टी जो है वो ई को इंक्लूड करेगा। सेकेंड सेज दैट इफ ई इज द हेवीएस्ट एज ऑफ सम साइकिल इन जी देन एवरी एम एस टी ऑफ जी एक्सक्लूड ई, तो वो ई को क्या कर देती है, एक्सक्लूड कर देती है। सो वी नीड टू चेक दैट कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। सो एक ग्राफ ले लेते हैं, चलिए सबसे पहले ग्राफ लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके।
Suppose that would be the graph. Okay. Now, in this graph, you can see that is node A, B, C, and D. Four nodes are there. Ye humne bana diye A, B, C, D. It's like this. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम सबसे पहले डिजाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ ए बी सी डी. यू कैन सी वन इज द फर्स्ट मिनिमम नीड टू कनेक्ट, टू इज द सेकेंड मिनिमम नीड टू कनेक्ट, थ्री कंसिस्ट साइकिल डिस्कार्ड दैट, फोर इज द मिनिमम नीड टू कनेक्ट लाइक दिस. ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. इफ ए इज द लाइटेस्ट एज ऑफ सम साइकिल एनर्जी. देखिए ई वो क्या बोल रहा है, ई पूरे ग्राफ की लाइटेस्ट एज नहीं है, ई किसी साइकिल की लाइटेस्ट एज है. तो क्या हर मिनिमम स्पैनिंग ट्री जी को ई को इंक्लूड करेगा? चलिए देखते हैं. सो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक साइकिल है ए डी सी ए, व्हाट इज द लाइटेस्ट एज ऑफ दिस साइकिल इन दिस स्पेसिफिक ग्राफ? सो टेल मी कौन सी है. यस इट इज थ्री, ए सी डी ए. सो थ्री इज द लाइटेस्ट एज, लाइटेस्ट एज इज थ्री. सो क्या एम एस टी थ्री को इंक्लूड कर रहा है? क्या थ्री हियर? नो, थ्री इज नॉट देयर. तो जब थ्री यहां पे है ही नहीं, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स. फॉल्स तो गलत है. ओके, नाउ इफ ई इज द हेवीएस्ट एज ऑफ सम साइकिल देन एवरी एम एस टी एक्सक्लूड ई. अगर ई हेवी एज है तो हर एम एस टी उसको हटा देगी. ठीक है, तो सी हियर व्हाट वी कैन से. नाउ देखिए, ये जो साइकिल है इसकी हेवीएस्ट एज कौन सी है? सो यू कैन से सर इट इज थ्री. थ्री तो यहां से हट गया. ओके चलिए, और कोई भी आप देख सकते हैं, कोई भी साइकिल, एनी साइकिल. ओके, व्हाट अबाउट दिस साइकिल, इसका हेवीएस्ट एज कौन सा है? वी कैन से दैट सिक्स. सिक्स इज नॉट देयर, सिक्स इज नॉट देयर. ओके, यू कैन चूज एनी वन. सो वी कैन से दैट यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो योर आंसर इज बी. गॉट माई पॉइंट? नाउ ट्राई टू फाइंड रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का रिजल्ट देखिए क्या होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन. लेट जी बी एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ विथ डिस्टिंक्ट एज वेट्स. लेट ई मैक्स बी द एज विथ मैक्सिमम वेट एंड ई मीन द एज विथ मिनिमम वेट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ओके, सो दो एजेस आपको दी हुई है, एक एज है ई मैक्स और एक एज है ई मीन. ग्राफ के सारे वेट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट वेट है, डिफरेंट वेट्स है. ओके, फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ जी मस्ट कंसिस्ट ई मीन. यस, अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट वेट है तो ये तो ग्राफ में होगा ही होगा. Got my point? If E max in a minimum spanning tree, then its removal must disconnect the graph. Yes. E max हम देखें क्या हो सकता है. E max अगर graph में है, किस केस में हो सकता है? Suppose your graph is like this. See, your graph is like this, like that. अब इस graph की आप minimum spanning tree बनाओ. Suppose यहाँ पे 1, 2, 2 है, ये भी 1, 2, 2 है, और ये है 1000. So it is a E max. सो इट शुड बी इन योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, अदरवाइज आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिस्कनेक्ट रहेगी. तो वी कैन से दैट फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज ट्रू. वॉट अबाउट थर्ड? नो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंसिस्ट ई मैक्स, इट इज फॉल्स. और हमें यही ढूंढना था, सी इज योर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. गॉट माई पॉइंट? लास्ट भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. G has a unique minimum spanning tree. क्या G की spanning tree जो है minimum spanning tree है वो unique होगी? Yes. क्यों? क्योंकि सारे weight क्या है? Distinct weight है. Distinct weight है तो unique minimum spanning tree होती है. Got my point? Now see this graph. So देखिए इस type के जो questions है, we can say that would be the previous year question. ये जो question है इसमें exactly आपसे पूछा है कि Kruskal's algorithm का जो way of working है उसके ऊपर question है.
एंड क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिक्वेंस ऑफ एजेस एडेड इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ क्रुशकल एल्गोरिथम. तो इनमें से कौन सा सही सीक्वेंस नहीं है, वी नीड टू डिफाइन दैट थिंग. चलिए तो सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से सीक्वेंस यहाँ पे हैं, देर आर डिफरेंट ऑप्शन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ग्राफ में सबसे स्मॉलेस्ट स्टेज कौन सी है, बी ई. यस, बी इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल. सबसे पहले बी ई कनेक्ट होना चाहिए. यू कैन सी इन ऑल ऑप्शन इट इज बी ई, नो इशू. नेक्स्ट स्मॉलेस्ट स्टेज कौन सी है, ई एफ. सो यस, ई एफ इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट और ए सी इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट. तो ई एफ भी कनेक्ट हो सकता है और ए सी भी कनेक्ट हो सकता है ना, इट डिपेंड्स. सो देखिए, या तो ई एफ आना चाहिए या ए सी आना चाहिए, और अगर ए सी आ गया तो ए सी के बाद ई एफ आना चाहिए. लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बी सी चूज कर रहा है, जबकि बी सी चूज नहीं कर सकते क्योंकि बी सी की कॉस्ट तो फोर है. वो चूज होगा आफ्टर ए सी एंड ई एफ. सो डी इज फॉल्स. सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है. नाउ सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन देर आर बेसिकली टू क्वेश्चंस ओवर द सेम डेटा. सेम डेटा के ऊपर यहां पे दो डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. कंसिडर अ कंप्लीट ग्राफ विथ वर्टेक्स सेट. आपको एक कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है वर्टेक्स सेट के साथ में, ओके. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री फॉर दिस ग्राफ सच दैट वर्टेक्स जीरो इज अ लीफ नोड इन द ट्री. अब देखिए, ये थोड़ा सा नया है. आपको इस तरीके से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनानी है कि वर्टेक्स जीरो को लीफ नोड रखना है. लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे, सेट जीरो, वन टू थ्री फोर वर्टाइसेज है. तो जीरो वर्टेक्स हमने बना लिया, वन टू इज देयर, थ्री इज देयर एंड फोर इज देयर. नाउ सी हियर, जो ग्राफ आपको एजेस दी हुई है, यू नीड टू कनेक्ट दैट एजेस. तो इन एजेस को आप कनेक्ट करते जाइए. सो जीरो इज कनेक्टेड टू वन विथ वेट वन, टू से कनेक्टेड है विथ वेट एट. इज इज लाइक दैट, जीरो वन टू थ्री फोर एंड देर इज ऑल्सो जीरो वन टू थ्री फोर. जीरो इज कनेक्टेड टू थ्री विथ वेट वन, कनेक्टेड टू फोर विथ वेट फोर. नाउ वन इज कनेक्टेड टू टू विथ वेट ट्वेल्व, वन इज कनेक्टेड टू थ्री विथ वेट फोर and one is connected to 4 with weight 9. Now 2 is connected with 3, you can see it is weight 7. 2 is connected to 4 with weight 3. 3 is connected to 4 with weight 2. Like this, okay? So ye hamara graph hai. Got my point? Now we need to design minimum spanning tree for this. चलिए इसका minimum spanning tree हम लोग देखते हैं. 0, 1, 2, 3, 4. First smallest is 1. Yes, it is 1. Second smallest is also 1. तो देखिए, आप यहां से 1 connect करते हैं. जैसे ये 1 connect करेंगे तो 0 आपका leaf node नहीं रहेगा. ओके क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं कि लीफ नोड से सिर्फ एक ही एज कनेक्टेड होती है. एक से ज्यादा अगर एज कनेक्टेड है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीफ नोड. सो वी नीड टू डिस्कार्ड दैट एज. तो हमें एक एज यहाँ पे डिस्कार्ड करनी होगी. ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है. अदरवाइज हम सिर्फ एजेस कब डिस्कार्ड करते हैं, जब वो साइकिल कंसिस्ट करती है. बट फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जीरो को आपको लीफ नोड रखना है. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि इट शुड बी रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्राफ. Now next minimum is 2, next is 3, next minimum is 4. Now we can say that all vertices connected with the n minus 1 edges. So stop here. That is your minimum spanning tree. Iska cost kitna ho gaya? So 1 plus 4, 5 plus 2, 7 plus 3. That means your answer is 10. D is correct answer. Got my point? Now see question number 2.
सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन इज इन द ग्राफ गिवन इन क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन में जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ पाथ पी फ्रॉम वर्टेक्स वन टू वर्टेक्स टू इन दिस ग्राफ सच दैट पी कंटेंट एटमोस्ट थ्री एजेस. तो देखिए जनरलाइज क्वेश्चन है, तो जनरलाइज क्वेश्चन में एग्जैक्टली अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हमने नहीं भी पढ़ा है तो भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हाउ? सो जस्ट सी हियर. सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं जो ग्राफ अभी हमने प्लॉट किया था, कि ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है, सेम ग्राफ पे क्वेश्चन है. सो वन एट वन फोर. ओके, नाउ वन इज कनेक्टेड टू टू दैट विथ ट्वेल्व, विथ थ्री इट वुड बी फोर, एंड देयर इज इट इज नाइन. नाउ टू कनेक्टेड विथ थ्री विथ सेवन, and there is 3 and there is 2, like this. Okay, now see, ab hame kya karna hai, what we want to go from vertex 1, vertex 1 se vertex 2 tak jana hai. Shortest path identify karna hai, but it should consist at most 3 edges, matlab 3 edges se zyada nahi honi chahiye, 3 edges ya 3 edges se kam ka shortest path hoga to chalega. Theek hai. सो सी वॉट वी कैन से दैट कि अगर सपोज टू भी हम जाते हैं वन से जीरो, ओके, जीरो टू थ्री, ओके, और थ्री टू आप जाते हो सपोज टू भी फोर, और फोर टू थ्री जाते हो, तो कॉस कितनी लग रही है, वन प्लस टू प्लस थ्री, इट बिकम सेवन ओनली, बट इट कंसिस्ट फोर एजेस, सो डिस्कार्ड दैट. आपको ये पाथ चूज नहीं करना है, आपको कौन सा पाथ चूज करना है जिसमें एटमोस्ट मैक्सिमम कितनी एजेस हो, थ्री एजेस. चलिए, सो हम यहाँ पे गए वन से जीरो, ओके, अब आप जीरो से कहाँ जा सकते हो, फोर पे, और फोर से टू पे कितनी कॉस्ट लग रही है, सो यू कैन सी वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, सो यस वी कैन चूज दिस वन. ओके, सो योर आंसर इज 8. Got my point? तो 7 हो सकता है, बट उसमें number of edges 4 आ रही है, so हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी edges के साथ देखना है, 3 edges के साथ. तो 3 edges के और भी path possible हो सकते हैं, बट आपको उनमें से shortest निकालना है. ठीक है, so that would be your answer. Now see this graph. So there are again two questions, the question first as well as the question number 2. So you can see एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी, आपको एक ग्राफ जी दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, एन वर्टाइसेस है, ओके, जिनको हम वी वन वी टू अप टू वी एन इन नेम से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं. नाउ देयर एग्जिस्ट एज बिटवीन वी आई एंड वी जे, दो वर्टाइसेस के बीच में एज कब होगी, इफ एंड ओनली इफ उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू टू होगा और ग्रेटर देन जीरो होगा तो. ठीक है, और हर एज को जो वेट असाइन किया हुआ है वो i प्लस j वेट असाइन किया हुआ है. उसने एक सैम्पल एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है, दैट इज n इक्वल टू 4 के लिए. आपसे पूछा हुआ है कि अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं n नोड्स की, ओके, सो उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, देर आर फोर ऑप्शंस. अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम यही ग्राफ दिया है, हम इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करके हम रिजल्ट निकाल लेते हैं जो भी रिजल्ट आता है, फिर हम वही एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करके रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं. तो प्रॉब्लम क्या होती है, इट मे पॉसिबल देर एग्जिस्ट मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, एक से ज्यादा सही ऑप्शन होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं. सो इन दैट कंडीशन वॉट टू डू, फिर क्या करें. सो जस्ट सी हियर, सबसे पहले आप किसी भी वैल्यू के लिए क्या कर रहे हो, ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, उस वैल्यू को सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि क्या n इक्वल टू 4 के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन सही रिजल्ट दे रहे हैं. इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन देन डोंट डिजाइन ग्राफ फॉर दिस एंड डोंट यूज दैट ग्राफ. गॉट माय पॉइंट? सो आपको n की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसपे सारे ही ऑप्शंस आपको क्या दे, डिफरेंट रिजल्ट दे. अब सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, पूछ रहा है द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम वर्टेक्स 5 टू 6 इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन वेर n इक्वल टू 10. मतलब कि सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए n इक्वल टू 10 का ग्राफ तो बनाना ही है, तो क्यों ना हम दोनों क्वेश्चन उसी ग्राफ से सॉल्व कर दें.
तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा और हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे. गॉट माई पॉइंट? तो सी वॉट टू डू, एन इक्वल टू 10 के लिए हम देखते हैं ग्राफ क्या होगा. सो वर्टिक्स 1 इज देयर, वर्टिक्स 2 इज देयर, वर्टिक्स 3 इज देयर, वर्टिक्स 4 इज देयर, वर्टिक्स 5 इज देयर, वर्टिक्स 6 इज देयर, 7, 8 एंड वर्टिक्स 9 एंड देयर इज अ वर्टिक्स नंबर 10. गॉट माई पॉइंट? नाउ सी, एजेस किन के बीच में पॉसिबल है? इफ डिफरेंस इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो वी कैन से दैट देर इज एज, यस देर इज एज, यस देर इज एज, यस देर इज एज, यस देर इज एज, यस. 1 और 4 के बीच में एज होगी क्या? नो. क्यों? क्योंकि उसका वेट क्या है, जो लेस देन इक्वल्स टू 2 है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो इट इज 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. That would be the graph. Got my point? अब इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल लें. ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल लें इस ग्राफ का. इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है? सो सी हियर, सबसे स्मॉलेस्ट एज 3, देन 4, 5 कंसिस्ट साइकिल, डिस्कार्ड दैट एज. 6, 7 कंसिस्ट साइकिल, डिस्कार्ड दैट एज. 8, 9 कंसिस्ट साइकिल, डिस्कार्ड दैट एज. 10, 11 consist cycle, discard that age. 12, 13 consist cycle, discard that age. 14, 15 consist cycle, discard that age. 16, 17 consist cycle, discard that age. 18, 19 consist cycle, discard that age. Got my point? अब minimum cost आप निकाल लीजिए इसकी, MST की जो minimum cost है वो कितनी है. Ages add करिए, 16, 12, 8, 4, 3, 6, 10, 14, 18. ऑन एडिशन इट बिकम 91. किस ऑप्शन से 91 आ रहा है? सो आप सेकेंड ऑप्शन में अगर वैल्यू पुट करेंगे, 10² - 10+1 91. सो बी इज करेक्ट आंसर. गॉट माई पॉइंट? नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि V5 से V6 का जो पाथ है उसकी लेंथ क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री में देखिए, डायरेक्ट तो 11 लेंथ है, बट 11 आंसर नहीं है आपका. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछा है, उसने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में पूछा है. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से घूम के यहाँ तक जाना होगा. इसलिए हम कहते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज नॉट यूज टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज सिंपली अ मिनिमम कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल द वर्टाइसेस. नाउ सी, सो हाउ मच इट इज 8 + 4 + 3 + 6 + 10, 31. सो सी इज योर आंसर. गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है? नाउ सी दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ वेटेड ग्राफ बिलो. जो ग्राफ आपको दिया हुआ है इसकी कितनी डिस्टिंक्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बन सकती है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है. ठीक है, सो सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन. सो जस्ट सी, फर्स्ट स्मॉलेस्ट 1, इट शुड बी कनेक्टेड. सेकेंड स्मॉलेस्ट 1, इट शुड बी कनेक्टेड, इज ऑल्सो 1, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड दिस इज 1. सो देखिए, जितने भी 1 हम कनेक्ट कर रहे हैं कोई भी कहीं साइकिल नहीं बना रहा, तो हम इन सारे 1s को कनेक्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है. नाउ द नेक्स्ट मिनिमम इज 2, सो वी कैन से दैट दैट 2 शुड बी कनेक्टेड. यस, दिस 2 एंड दैट 2, इट कंसिस्ट अ साइकिल, सो आउट ऑफ दिस 2 यू कैन चूज एनी 1. नाउ सी हियर, अगर आप यहां पे इस 2 को कनेक्ट कर देते हो
तो उसके बाद अगर आप ये टू कनेक्ट करते हो तो साइकिल बनेगी, ये टू कनेक्ट करते हो तो भी साइकिल बनेगी. तो इन थ्री टूज में से यू कैन चूज एनी वन, इन तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो. एंड दिस टू एंड दैट टू दे आर ऑलवेज कंसिस्ट अ साइकिल, तो ये कभी भी यूज नहीं होंगे, नेवर यूज. सो इट इज सिंपली 3c1 मल्टीप्लाई बाय 2c1, 3 × 2. सो योर आंसर इज 6. गॉट माई पॉइंट? Now see this question. The graph shown below has 8 edges with distinct integer weights. The minimum spanning tree weight is 36. और जो edges contain करता है वो भी आपको दिया हुआ है. और minimum edges का weight already 36 आपको given है. The edges weight only those edges which are in the MST are given in the figure. सिर्फ उन्हीं का weight आपको दिया हुआ है जो कि minimum spanning tree में थे. सो वॉट वुड बी द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ ऑल 8 एजेस, सारे एजेस का एड करेंगे तो मिनिमम पॉसिबल सम कितना होगा. सो देखिए पहला पॉइंट तो आपको क्या बोला है, सारी वैल्यूज क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 और 6 आपने यूज किया है और आपने ये वाली एज को छोड़ दिया, तो उसका रीजन क्या होगा. सो वी कैन से दैट दैट इज द हेवीएस्ट एज ऑफ दिस साइकिल, क्योंकि हेवीएस्ट एज हमेशा एक्सक्लूड होती है. तो इसका जो वेट है वो 4 और 6 से बड़ा होगा, तो कितना होगा, 7. सिमिलरली वी कैन सी ये जो ग्राफ है इसमें से आपने ए बी को एक्सक्लूड किया, क्यों, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होगा. तो साइकिल की दो एजेस 2 और 9 है, तो ये कितना होगा, 10. सिमिलरली फॉर दिस एज वी कैन से दैट दैट इज अ साइकिल बी ई सी डी, सो इसमें ऑलरेडी 15 है, तो ये कितना होगा, 16. सो वी कैन से दैट टोटल वेट्स आर 15 + 4 + 6 + 16 + 2 + 9 + 10. ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि 36 तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट था और उसमें 3 एजेस हमने और एड कर दी, तो अल्टीमेटली वी नीड टू एड दिस ऑल द वैल्यूज. ओके, हाउ मच इट इज, सो वी कैन से दैट इट इज 10 + 10 = 20, 20 + 15 = 35, 35, एंड वी कैन सी इट इज 45, 46 एंड 10, 66, 69. ओके, सो दैट वुड बी योर आंसर. सो टोटल कैलकुलेशन आप सिंपली क्या कर लीजिए, इसको कैलकुलेटर से डन कर लीजिए. सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर. ओके, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लॉजिक के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं कि वी नो दैट जो रिजल्ट होगा उसमें जो एजेस होंगे उनका वेट क्या होना चाहिए. अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, मिनिमम पॉसिबल, सो इसलिए हमने ये चूज किया 10, 7, 16, क्योंकि 15 से जस्ट नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आएगा. वी कैन यूज 15 ऑल्सो, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एजेस होनी चाहिए उनका वेट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए. सो हमें डिस्टिंक्ट वेट भी लेके चलना है, सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दिस इज ओके. सो ऑन कैलकुलेशन इट इज 15 + 4 + 6 + 16 + 2 + 9 + 10, इट बिकम 62. ओके, सो योर आंसर इज 62. गॉट माई पॉइंट? प्लस सीयर टोटल एजेस आर देयर, 15 इज देयर प्लस 4 इज देयर प्लस 6 इज देयर प्लस 16 इज देयर प्लस 9 इज देयर प्लस 2 इज देयर एंड प्लस 10 इज देयर. सो टोटल आपके पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है, यू कैन सी टोटल एजेस आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 एजेस आर देयर. सो प्लस 7 इज ऑल्सो देर. ओके, 7 हमने यहाँ लिखा नहीं था, सो 62 + 7 टोटल फाइनल इज 69. ओके, योर आंसर इज 69. 7 इज मिसिंग हियर, सो टोटल इज 69. गॉट माई पॉइंट? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी हियर, लेट जी बी अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑफ 100 वर्टाइसेस एंड 300 एजेस. सो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपके पास कितने हैं, 100 है, और एजेस कितनी है, 300 है. The weight of minimum spanning tree of graph G is 500. When the weight of each edge of G is increased by 5, then what would be the weight of minimum spanning tree? तो देखिए अगर 100 vertices है आपके पास, तो what we can say, minimum spanning tree है तो number of edges उसमें कितनी होंगी, 99 edges होंगी. Okay? So number of edges are 99 edges are there. Okay? जो already minimum spanning tree है उसका weight कितना है, 500 है.
आपने अगर हर एज के वेट को 5 से इंक्रीज कर दिया, मतलब आपने सभी में क्या किया हुआ है, प्लस 5 किया हुआ है, सो प्रीवियस एज प्रीवियस कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो 99 इंटू 5, हाउ मच इट बिकम, इट बिकम 995 लाइक दिस। ओके नाउ सी दिस क्वेश्चन, वॉट इज द वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, आपको एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री दिया हुआ है, उस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का आपको वेट आइडेंटिफाई, इस ग्राफ के एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपको बनाना है और उसका वेट आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका वेट कितना होगा। ओके सो जस्ट सी, सबसे पहले स्मॉलेस्ट चूज करें 1। ओके सो 1 इज स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है आपका, सो व्हाट वी कैन से इट इज 2, सो 2 इज देयर, नेक्स्ट 2 कंसिस्ट साइकिल इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट 2 इज हियर, सो प्लस 2 अगेन, नेक्स्ट इज 2 हियर, सो प्लस 2 अगेन, नेक्स्ट मिनिमम व्हाट वी कैन से 3, सो यस वी कैन कनेक्ट दैट 3, कि 3 कनेक्शन से साइकिल नहीं बन रहा तो प्लस 3 कर दीजिए आप। ओके फिर 3 कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मिनिमम आप देखिए कौन सा है, 4 है, सो यू कैन सी हियर 4 इज देयर, दैट वुड बी द मिनिमम, प्लस नेक्स्ट मिनिमम इज अगेन 4, यस वी कैन कनेक्ट दिस वन ऑल्सो, क्योंकि इट डजंट कंसिस्ट साइकिल, सो प्लस 4 अगेन। ओके नाउ नेक्स्ट मिनिमम इज वॉट, सो यू कैन सी हियर द नेक्स्ट मिनिमम इज 5, वी कैन कनेक्ट दिस, यस वी कैन कनेक्ट दैट, सो प्लस 5, प्लस 5 इज देयर, नाउ नेक्स्ट मिनिमम 6, बट 6 कंसिस्ट साइकिल, डिस्कार्ड, 7 इज नॉट देयर, 8, सो वॉट वी कैन सी, यस यू कैन कनेक्ट दैट 8, इस 8 को आप कनेक्ट कर सकते हो। देखिए जैसे ही ये 8 कनेक्ट किया, नाउ वॉट वी कैन सी, ऑल द वर्टाइसेस आर कनेक्टेड विथ एन माइनस 1 एजेस। ओके सो दैट इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एडिशन इज सिंपली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5, ऑन कैलकुलेशन इट बिकम 31, गॉट माई पॉइंट, सो दैट वुड बी योर आंसर। Now see this question. So again, in this question, about which of the following cannot be the sequence of ages added in the minimum spanning tree using Kruskal's algorithm. चलिए सबसे पहले हम smallest age choose करें तो क्या है? It is AB or DF. तो AB और DF में से आप कोई भी choose कर सकते हो. So पहले AB choose किया, फिर DF चलेगा, या DF के बाद AB, so it's okay. Next minimum you can see it is 2. So either it is BF or CD, you can choose any one of this, yes. So BF, CD, it's okay, BF, CD is okay, BF, DC या DC, BF, it's okay. BF के बाद लेकिन ये क्या choose कर रहा है, यहाँ पे DE choose कर रहा है, जो कि possible नहीं है क्योंकि DC की cost कम है, तो पहले DC choose होगी, got my point? So what we can say that in that condition D is false, okay. So that would be the way to solve minimum spanning tree using Kruskal's algorithm. तो हमने minimum spanning tree को देखा क्या था, कितनी minimum spanning tree बन सकती है वो देखा, simple spanning trees कितनी बन सकती है वो देखा. So that is all about the Kruskal's algorithm as well as about the minimum spanning tree. Got my point? So once again, there is a new course on Unacademy Plus, that is a booster course on design and analysis of algorithm, is already started from 18th December. तो जल्दी से join करिए, देर नहीं करना है. 6 to 8 PM regular classes are there. तो 6 to 8 PM classes है आपकी. Ensure 10 to 12 marks. 10 to 12 marks आप लोग ensure करिए, और you can use my code, that is ANKS10 to get maximum discount. तो जल्दी से आइए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और आपको मजा आने वाला है. दिस प्लस बैचेस आर आल्सो टेकन, ये सारी प्लस बैचेस भी चल रही हैं. ओके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी चल रहे हैं, सीएसआईटी की रेगुलर क्लासेस भी चल रही है, रैंक बूस्टर क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप इन क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन यूज माई कोड, यू कैन ऑल्सो एक्सेस दैट क्लासेस एंड use that complete package to crack gate. ये subjects भी already YouTube पे चल रहे हैं, आप इन सारे subjects को भी access कर सकते हैं. और अगर अभी तक आप लोगों ने Unacademy का Telegram channel join नहीं किया है, तो जल्दी से इसको join कर लीजिए.
एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्टडी यहाँ पे होती है. सो अन अकेडमी कंप्यूटर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड यू शुड फॉलो मी ऑन unacademy.com@@_अंकुश_सकलेशा. देखिए, फॉलो करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, तो वी कैन से दैट अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो इस पे जितनी भी स्पेशल क्लासेस मैं लेता हूँ, ऑल स्पेशल क्लासेस यू कैन एक्सेस फ्रीली, फ्री एक्सेस कर सकते हो आप सारी स्पेशल क्लासेस को. एंड यू शुड रिमेंबर यू कैन यूज माई कोड दैट इज ANKS10 टू एक्सेस फ्री स्पेशल क्लासेस. गॉट माई पॉइंट? थैंक यू गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much.